टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर देर हो गई तो जल्दी जागा करें ना। ओए होए, अम्मी अब नींद किसे आती है? क्यों, अब क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे अम्मी आप भी कमाल करती, बात करके रुकी गई आप तो। भाई दुनिया कितनी तेज हो गई है, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। क्यों गुलशन, तुम्हें बताओ। तुम्हारे अब्बू भी कह रहे थे कि बात को आगे बढ़ाना चाहिए। देखा, अब्बू कभी गलत कह ही नहीं सकते। और गुलशन तुमने कार्ड लिख दिया ना? हाँ हाँ। तो प्लीज जाकर ला दो, मुझे निकलना है। उसे नाश्ता तो कर लेने दो। अम्मी कर लेगी नाश्ता, वो घर पे ही है, मुझे जल्दी जाना है। बहुत ही तंग करते हो तुम। बेटा वलीद इसी तरफ ही आ रहा है। तो मैं क्या करूं? तो पागल मत बनो, मर्द पे तवज्जो ना दो तो मर्द हाथ से निकल जाता है। मर्द और अड़ियल घोड़े में फर्क नहीं होता, कभी प्यार से कभी सख्ती से इसी तरह सुधरते हैं। अब आने वाला होगा, मैं निकलता हूं। कैसी हो? ठीक हूं। इत्तलान अर्ज है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ, कभी वक्त मुझे भी दे दिया करो, या फिर वो कमरे से बाहर आने नहीं देती। मैं आया था, तुम लोग थे ही नहीं। लोग? हम और लोग? मैंने लोग तुम्हारे मामू की वजह से कहा। लफ्जों को पकड़ा मत करो। अमेरिका में तो तुम्हें खुद से दूर करना मुश्किल था, यहाँ पास बैठने से कतराते। खैर आओ बैठो मेरे पास थोड़ी देर के लिए। वलीद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है ममा निजाम, लेकिन आपकी पूछ रही है बात। देखो तुम अपनी जगह बिल्कुल ना छोड़ना, सारा बड़ी होशियार है। ममा ने ऐसी कोई बात नहीं है, वो तेज नहीं है, उसे हालात ने तेज कर दिया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों, बताओ ना क्या पूछ रही हूँ मैं। वो मानी जान, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मानी जान उसने वलीद को पसंद किया है, यकीनन खुलूस और दिल से किया होगा ना। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी नाकाम ना हो। हाँ होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मानी जान आप जानती हैं एक मोहब्बत की नाकामी का मतलब है गुजरे हुए की रिवायत और आने वालों की हिम्मत की नाकामी। यानी कि अगर दो लोग मोहब्बत करके निभा ना सके ना, तो हीर रांझा की अमानत में खयानत होती है और आने वाले रूम में जुलेट कह के मोहब्बत से उठा देंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी आपसे। तुम्हारा तो भाई अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं स्कॉलर कहां से पैदा हो गई हमारे खानदान में।
बीबी जी, ये सुबह बाबर साहब आपके लिए दे गए थे। क्या है? शायद कोई गिफ्ट है। ठीक है, तुम जाओ। जी। ये मिडिल क्लास लोग भी ना चीप हरकतों से बाज नहीं आते। शुक्र तानिया को गिफ्ट पसंद आया। इतना ज्यादा पैक किया हुआ है। इतना सस्ता गिफ्ट, ये तो मैं अपने काम वाली को दे देती तो बेचारी बहुत खुश हो जाती। चल कि मैं उसी को दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, थैंक यू। कहाँ थी आप सुबह से? सेंट्रल जेल। तुम मुझे बता दिया होता मैं साथ आपके आ जाता। नहीं, वो एक्चुअली मुझे जल्दी जाना था तो आई थॉट आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूं। एनीवेज, मैं अपना और अपनी टीम का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहती हूँ। टेस्ट? आज मुझे जेल से बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मिला है, अ वेरी बिग वन। सब हिल जाएंगे। किसका? इमदाद हुसैन वर्सेस द लॉ मिनिस्टर अनवर जमील। असल खेल तो अब स्टार्ट हुआ है, अब पता चलेगा। वकालत का शोबा हमने खौफजदा होने के लिए ज्वाइन किया है या फिर इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए? मैडम, खौफ की बात नहीं है, लेकिन एक मिनिस्टर के खिलाफ जाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा तो फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं। आप लोग तो मेरा हौसला तोड़ रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। इमदाद हुसैन पिछले 8 महीने से जेल में है और जुर्म क्या है? कार चोरी की है उसने, और वो भी मुझे पता है कि बेबुनियाद है। असल वजह कुछ और है। असल वजह क्या है? मिनिस्टर अनवर जमील के गांव की एक लड़की की शादी इमदाद हुसैन से हुई और उसका बेटा, वो तो शायद, आई गेस मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात साबित करना बहुत मुश्किल काम है कि मिनिस्टर के बेटे का इरादा क्या है। हमें ये साबित करना भी होगा, लेकिन हम एटलीस्ट इमदाद हुसैन की बेल तो करवा सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू गाइस, वो 240 दिन से यानी 8 महीने से जेल में बंद है, और जब भी हेयरिंग का टाइम आता है तो कभी उसका लॉयर नहीं आता, कभी सामने वाली पार्टी का लॉयर नहीं आता, तो कभी जज का ट्रांसफर हो जाता है या हड़ताल हो जाती है। एक मर्द जब रोता है तो आप खुद सोचें कि वो कितना मजबूर होगा। उसकी बीवी मुसलसल खुद को बचाती छुपती फिर रही है, और इमदाद हुसैन के पास अपनी किस्मत पे रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एनीवेज जिब्रान, अब आपको इस केस के बारे में सारी डिटेल्स पता चल चुकी हैं, और इसका मतलब है आपको ये भी पता होगा कि अगली हियरिंग एटलीस्ट 14 दिनों बाद है। मैडम आप फिक्र न करें, मैं सुबह ही आपका वकालतनामा जमा करवा देता हूँ। गुड, थैंक यू। और कोशिश कीजिएगा कि डेट थोड़ी जल्दी की हो जाए। जी जरूर। तब तक मेरा कुछ और प्लान है।
आप किसी सोशल एक्टिविटीज पार्टीज के बारे में जानते हैं? एनी लिंक्स? चंद तो है मैडम, उनसे कांटेक्ट करके देख लेते। वैसे तानिया को हमने तो पसंद किया ही है, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चों का तो आपको पता ही है ना कितने बेसब्रे हैं। रस्म कर लेते हैं। जी जी, ख्याल तो आपका बहुत अच्छा है, मगर मैं जरा तानिया के बाबा से बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगी। दरअसल चीजें उन्हें अपने मायार के मुताबिक ही पसंद आती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मंगनी की छोटी सी तकरीब रख लेते हैं। वैसे बाबर मुझे बहुत पसंद आया, उस जैसा लड़का ही तानिया को समझ आ सकता था, वरना मुझे तो लगता था शायद तानिया किसी को कभी पसंद ही नहीं करेगी। बाबर माशाल्लाह है ही बहुत समझदार। पता नहीं कहाँ मिले कैसे मिले, लेकिन अब तो बस बाबर हर वक्त तानिया के नाम की माला जपता रहता है। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। बस जरा तानिया के बाबा से पूछ लूं, फिर आपको बताती हूँ। जी ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो शुक्र है ये काम भी हो गया। तुम अपने लिए चाय नहीं लाई बेटा? नहीं आंटी, वो मेरा दिल नहीं कर रहा। थैंक यू बेटा। और तुम ठीक तो हो ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं आंटी। बस तो ठीक है, मैं तुम्हारी मंगनी की डेट फिक्स कर रही हूँ। कर दें, लेकिन सिकंदर और मरियम को जरूर आना चाहिए, ये बात आप बाबा को बता दीजिएगा। हाँ, मरियम के भाई से मंगनी हो रही है तुम्हारी, वो तो जरूर आएगी। बाबर की बहन बन के नहीं बल्कि सिकंदर की बीबी की हैसियत से आना होगा। उन दोनों की शादी में जिस कर्ब से मैं गुजरी हूं उन्हें भी गुजरना होगा। बस कर दो, अब भूल भी जाओ उन बीती बातों को, अगर जख्मों को कुरेदती रहोगी तो वो कभी नहीं भरेंगे। मैं चाहती भी नहीं हूं कि भरे। जाने मरियम को क्या दुश्मनी है मुझसे, वो इतना हसद क्यों करती है मुझसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी और बाबर की बात ना बने। लेकिन उसे क्या फायदा होगा इससे? तुम्हें किसी ने गलत बताया? नहीं मां, गलत नहीं बताया, मुझे खुद बाबर ने यह बात बताई। आप डेट फिक्स करवाएं। सिकंदर और मरियम को मैं खुद इन्विटेशन देने चाहूंगी। अबू। अरे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये यूं अचानक है? क्यों, मैं नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं आ सकती हो, लेकिन अबू मैंने पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए पहला कदम उठा लिया है। सारे निजाम को? नहीं, सिर्फ इंसाफ। अबू जब बदल होगा ना तो सब अपने आप ठीक होने लगेगा। बेटा बहुत मुश्किल रास्ता चुना है तुमने, कदम कदम पर रुकावटें रखने। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकती? आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? अरे नहीं बेटा, क्यों नहीं कर सकती तुम? मुझे पूरा यकीन है, बल्कि मेरा ईमान है कि तुम ही कर सकती हो सब कुछ। इसीलिए मैं आपकी दुआएं लेने आई हूं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। देखो बेटा, अब जब तुमने कदम उठा ही लिया है तो पीछे मत हटना, जितना लड़ सकती हो ना लड़ती रहना। अच्छा एक बात बताओ, ये सिकंदर भी तुम्हारे साथ है या तुम यूं ही अकेली चल पड़ी? नहीं अबू, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है। गुड,
वैसे अम्मी कहाँ है? बेटा तुम्हारी अम्मी खाना बना रही। अच्छा ठीक है अबू, मैं अम्मी से मिलकर निकल जाऊंगी। क्यों, इतनी जल्दी क्यों जाओगी? अबू काम बहुत है और वक्त बहुत कम। अच्छा बेटी, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई लव यू। आई लव यू टू माय डियर। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। देखिए हमारा मौकिफ बिल्कुल वाज़े है, इमदाद हुसैन कसूरवार है या नहीं इसका फैसला तो सिर्फ मौजूदा अदालत ही कर सकती है, लेकिन मेरी ये लड़ाई तो उस सिस्टम के खिलाफ है जो पिछले 8 माह से एक घर के वाहिद कफील को एक मामूली से जुर्म के लिए जेल में बंद करके रखा हुआ है, उसकी जमानत मंजूर नहीं की जा रही। मैडम अनवर जमील साहब एक मौजूद मेंबर असेंबली हैं, उनका नाम इस तरह उछालना, आप इस बारे में क्या कहती हैं? पाकिस्तान का हर शहरी बराबर का दर्जा रखता है, जिस इंसान के पास भी एक सब शनाख्ती कार्ड है वो मौजूद है, फिर चाहे वो अनवर जमील हो या कोई भी, किसी को हक नहीं पहुँचता कि एक बेगुनाह की बीवी या घर वाले उसके खौफ में जिंदगी गुजारे। क्या ये सब? सोशल मीडिया पे भी यही कंप्लेन है। पता लगाओ कि ये मरियम सिकंदर खान कौन है। जी सर। अरबाब इख्तियार से सिर्फ यही गुजारिश है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, कि जब तक इमदाद हुसैन इनोसेंट ही प्रूव हो जाते, उसके घर वालों को सेफ्टी प्रोवाइड करें। सर मिस्टर साहब की कॉल। जी सर। सर नहीं होती पार्टी की साख खराब। सर सर आपको तो पता है कि मीडिया वालों को तो खबर चाहिए होती है। सर आप बेफिक्र रहिए, मैं हैंडल करता हूँ ना सर। सर असल में हेलो है, आज तो बेहतरीन हो गए, लेकिन मैडम थक भी गए हैं कुछ। थकना नहीं, परसों पहली पेशी है और होपफुली इमदाद हुसैन की बेल भी हो जाएगी, लेकिन जब तक इमदाद हुसैन इनोसेंट साबित नहीं होता तब तक हमें थकना नहीं। चलें चाय तो पी जा सकती है ना? Yeah, why not? Oh, मैडम एनजीओस का क्या करना है? हाँ उनको लंच पे बुला लेते हैं कल, और वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को थैंक्स का मैसेज भी जरूर कर दीजिएगा। नंबर्स लिए थे ना आपने? जी। चैनल वाले आए? चैनल वाले? फिर भी जाना है। एनीवेज आप उनको भेज दें, और हाँ प्रोटेस्ट की सारी पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड कर दो। अभी कर देता हूँ। मैं चाहती हूँ इस मुल्क में टेलीविजन, सोशल नेटवर्क्स, इंटरनेट सबसे जो जो जुड़ा है उस तक इमदाद हुसैन, उसकी बीवी और अनवर जमील का नाम पहुँच जाए और शक्ल भी, उनको सब याद हो जाना चाहिए। जी बेहतर। एनीवेज ठीक है आप भेज दें उनको, एंड यू गाइस कैन रिलैक्स। ओके ओके। पता चला कौन है मरियम सिकंदर खान? जी सर, सिकंदर खान की मिसेज है, और सिकंदर खान असवंत खान के बेटे हैं। अपने असवंत खान? जी सर। मैं भी कहूं इसको कहीं देखा है। हाँ इसकी शादी में गए थे ना हम लोग। फिर तो घर वाली बात हुई ना।
क्या है? ओ मरियम, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी अनवर साहब, आज कैसे याद कर लिया? कहीं फिर से सीएम साहब कलमदान वापस तो नहीं ले रहे? खान साहब, आपके कहने पर उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया था, अब आप ही की वजह से वजारत जाएगी मेरी। ओ ऐसा है? ओ आप ही की बहू मरियम सिकंदर खान मेरे ही खिलाफ सड़क पर निकल आई। सर, आपकी बहू हमारी भी बहन बेटी हैं, आप मेरी इज्जत का कबाड़ा तो मत करें ना सर। ठीक है अनवर साहब, मैं देखता हूं। जी थैंक्स। बेटा ये मरियम क्या कर रही है, तुम्हें पता है कुछ? उसे समझाओ यार, एनजीओ उसने लोगों की भलाई के लिए बनाई, ना कि हमारे ताल्लुकात की तबाही के। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मरियम सिकंदर के कारनामों की वजह से, और क्या? मुझे तो ये असवन की समझ में नहीं आ रही है, इस तरह तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी। तो कल दूसरी पावर में आ जाएगी। नहीं उषा बेगम, ये सारे सियासतदान आपस में दोस्त होते हैं, इनकी दोस्ती और दुश्मनी का पता नहीं चलता। असर हम बिजनेस वालों पर पड़ता है। अरे ये तो कल फिर एक हो जाएंगे। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मरियम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से कि आपको फूफो से बात करनी चाहिए, वो ही उसे लगाम डाल सकती। तुम चुप रहो, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अंदर अंकल से भी हमारे फैमिली टर्म्स हैं, उनका बेटा मेरा क्लास फेलो था, ऐसा ना हो कि हम उनसे मिलने से भी जाएं। अरे ठीक कह रही थी तानिया, कल को बाबर और तानिया की शादी होनी है, मरियम के मैके वालों से हमारा नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। सियासत में शिजरे देखकर दोस्ती और दुश्मनी की जाती है उषा बेगम। ये बात तो है। मरियम, हमारे खानदानी ताल्लुकात को अपने शौक की भेंट मत चढ़ाओ। हमने तुम्हें वकालत करने की, एनजीओ बनाने की इजाजत दी है, मिली है ना तुम्हें इजाजत, तो फिर ये चौकों चौराहों में हमारी इज्जत उछालने की क्या जरूरत है? आंटी वो सब करना जरूरी था, कुछ लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई थी। और हमारी इज्जत दांव पे लगा दी तुमने। कौन से इज्जतदार घराने की औरतें हैं जो चौकों में बैठकर नारे लगाती फिरती हैं? देखो बीबी, तुम वकालत करो जरूर, शौक से करो, लेकिन हमारे खानदान के दोस्तों को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन आंटी मरियम, तुम ये केस नहीं लड़ोगे। आंटी
इससे दस्तबरदार हो जाओ। अंकल, किस चीज से दस्तबरदार हो जाओ? इमदाद हुसैन की बेगुनाही से या उसकी बीवी की जिंदगी से जो मारी मारी इन दरिंदों की दुनिया में फिर रही है? क्या ये आपका आखिरी फैसला है? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं? क्या चाहते हो तुम? अनवर जमील को इतना अहम बंदा नहीं है डैड, क्या ख्याल है आपका? सर आप फिक्र ही ना करें, मैंने असमान खान से कह दिया है। आज की खबर है, कम से कम आज तो हेडलाइंस पे चलेगी ना, और एक दो सर फिरे तो इस इशू पे शोज भी करेंगे। लेकिन सर आप देखिएगा, कल ये सब भूल जाएंगे। जी सर। डैड ने तुम्हें बुलाया। ठीक है, चलें। उन्होंने सिर्फ तुम्हें बुलाया, मेरा वहां कोई काम नहीं है। जाओ भी। आपने मुझे बुलाया अंकल? आओ बैठो। ये केस लड़ना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अंकल किसी की उम्मीद है और उम्मीद बहुत जरूरी होती है। लेकिन बेटा हमारे सियासी ताल्लुकात से मत खेलो। अंकल आपने मुझे बेटा कहा है ना, नहीं खेलती। बल्कि आपने वो कहानी सुनी है अंकल, जिसमें चूहा जाके शेर के बालों में छुप जाता है, फिर शेर उसे पकड़ लेता है और फिर चूहा उसके आगे गिड़गिड़ा के बोलता है, बादशाह सलामत मुझे आज छोड़ दे, मैं फिर कभी बहुत काम आऊंगा। हाँ, लेकिन यहां इस कहानी का क्या है? अंकल आप बस मुझे ये केस जीतने दीजिए, मैं आपके इस घर, बिजनेस और सियासी ताल्लुकात सब में काम आऊं। ट्रस्ट मी। I trust you. ठीक, पूरी पार्टी को रहने दो और अनवर जमील के साथ
जो चाहो सब करो, उसे कल बाजार में लाके खड़ा कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तानिया के भाई के लिए, ये तानिया के अब्बू के लिए, और हाँ ये तानिया की अम्मी के लिए। आप खुश हो? जी बहुत खुश हूं, लेकिन असल खुशी तो परसों होगी ना, चमंगनी हो जाएगी। जरा सी भी शर्म नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, है ना? बिल्कुल है भाई, अब जब मंगनी हो रही है तो मंगनी कहूंगा ना, या ये कह दूं कि बरसी है। क्यों गुलशन, फल्ला ना करे, कैसे फजूल बकवास करते रहते हो। अब सच याद आया, रिंग मैं ले आया था, बिल्कुल आपकी चॉइस के मुताबिक बन गया। भाई वाह, वेरी नाइस। अब देखना ये है कि ये तानिया के खूबसूरत हाथ पर कैसी लगेगी। आइडिया, गुलशन को पहना के ट्राई करते हैं, गुलशन भी तो आखिर लड़की है, क्या ख्याल है? क्या हो गया तुम्हें बाबर, ऐसा नहीं करते। मैं करता हूं ऐसा। बाबर अपना हाथ दो। बाबर प्लीज हाथ छोड़े मेरा, बाबर हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो गया? मैं कह रही हूं हाथ छोड़ो। इसे क्या हुआ, इसका मूड इतना क्यों खराब है? पर ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अच्छा आप कह रही है तो नहीं होता होगा। आखिर आपने दे दी मरियम को इजाजत, या फिर उसने अपनी बात मनवा ली? उसकी आंखों में यकीन ही इतना था कि मैं चाहने के बावजूद भी इनकार नहीं कर सका। ये दौर ही यूथ का है, और कोई कोई मरियम के इरादों जैसा होता है। आपको बताए, ये छोटे खानदान के जो बच्चे होते हैं ना, इनका अलमिया क्या है? ये अपने आप को साबित करने के लिए इन्हीं चीजों का सहारा लेते हैं, वरना क्या जरूरत थी एनजीओ बनाने की और पहला केस ही एक सियासतदान के खिलाफ लड़ने की। अर्जुन बेगम, इरादे इंसान को छोटा या बड़ा बनाते हैं। रही इन सियासतदानों की बात, अगर ये कुछ करने के काबिल होते तो आज ये दिन देखने को मिलता है। और वो जो आपके दोस्त हैं अनवर जमील, वो कोई बात नहीं, मरियम और सिकंदर की ख्वाहिश के आगे कुछ नहीं। वैसे भी हम पार्टी को बहुत फंड्स देते हैं, रोज नए अनवर जमील बने और मिटा दिए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बच्चों के इरादे अहम है। अच्छा तुमने ये नहीं बताया कि तुम बाबर की मंगनी पर क्या पहन रही हो? कुछ भी पहन लूंगी आंटी। कुछ भी? भाई इतने बड़े बड़े लोग होंगे, कुछ अच्छा सा पहनना ना। बड़े लोगों में छोटे लोग कहाँ नजर आते हैं, हम उसका मैंने तो जिंदगी से यही सबक हासिल किया है। खैर अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी ने कभी तुम्हारे साथ तुम्हारी मंगनी या शादी की कोई बात? आंटी मेरी और अम्मी के दरमियान एक बात थी जो उन्हीं के साथ दफन हो गई। मुझसे शेयर नहीं करोगी?
वो अक्सर कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। नहीं बता दो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अब बताना बेमहल है, ना वो मौका रहा और ना ही मंजिल। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात है, क्या हमें कॉफी मिल सकती है, या वो भी नहीं रही अब? कॉफी ही तो जीत गई, मैं भी बना कर लाती हूँ। थैंक यू।